गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप पे आज इस वीडियो में देखिएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है क्या है, क्या क्या हमको स्टडी करना है और क्या जानकारी लेना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि परीक्षा में जो है 25 नंबर का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है, इसलिए इसे अच्छा से समझना, जानना और पढ़ना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो पहला लेसन आपको जो पढ़ना है अंग्रेजी का ज्ञान, दूसरा आईटी का ज्ञान, तीसरा संप्रेषण कौशल, चौथा उद्यमिता कौशल, पांचवा उत्पादकता और छठा जो है आपको व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण, सातवां जो है ये श्रमिक कल्याण अधिनियम, आठवां जो है गुणवत्ता के साधन और नौवां जो है संक्षिप्त शब्दावली। तो संक्षिप्त जो है शब्दावली ये हो गया। ये आपको 9 लेसन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है ये आपका सिलेबस है। ये 9 लेसन जो है 1 ईयर में पूरा कंप्लीट करना है। ये आपको अच्छे से नॉलेज रखना है क्योंकि 25 नंबर एग्जाम में आते हैं और 25 नंबर आएंगे तो 25 का मतलब है कि 50 नंबर का सवाल जो है सीबीटी में सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी में से आता है। तो इतना अच्छा इसका मार्क्स है कि अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम पहला बात कर रहे हैं। तो पहला लेसन में जो पढ़ना था आपको उसमें ज्ञान जो है लिटरेटी वाला, उसमें था आपको उच्चारण कार्य समझना है, स्वरों का उच्चारण स्थान समझना है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान समझना है, मुख्य अक्षर समझना है, शब्द का उच्चारण समझना है। तो लेसन नंबर 1 में जो भी आपको समझना था ये सारा चीज़ जो है अच्छे से समझना है और समझ करके अच्छा सा व्यवहार कीजिएगा, उच्चारण अच्छा से कीजिएगा, बोलिएगा अच्छा से और इच्छा अच्छा से लिखिएगा, अच्छा से व्यक्त कीजिएगा। तो ये हमारा जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये जो है इसको डेवलप करेगा, विकास करेगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है कि एक व्यक्ति की सहकर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की शैली या क्षमता को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर बाहर दोनों में ही रोजगार को कौशल लागू होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उन हार्ड स्किल को कंप्लीट करने की जरूरत है जो रोजगार जो है बुद्धि के लिए विकसित करते हैं। तो इस तरह जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है हमें रोजगार करने के लिए सबसे अच्छा स्किल बुद्धि शक्ति देता है। इस तरह चीज का जो हम लोग पूरे अच्छा से समझेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और लेसन नंबर 1 जो है वो भी बारे में समझ गए होंगे कि ज्ञान का अच्छा जानकारी होना चाहिए, उच्चारण का अच्छा जानकारी होना चाहिए, शब्द का व्यवहार अच्छा जानकारी चाहिए, कौन सा साउंड कैसा बोलना चाहिए, ये है। अब दूसरा लेसन आपको सूचना प्रौद्योगिकी, यानी आपको जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो है आपको देखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको जानना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आपको कंप्यूटर का अर्थ होनी चाहिए, फिर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानना चाहिए, कंप्यूटर के भाग में जाना चाहिए और कंप्यूटर का सारा नॉलेज होना चाहिए। यानी आप कोई भी अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं तो ये कंप्यूटर दूसरा लेसन में पढ़ना है और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपको जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से जानना है, इस सबसे अच्छा है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये भी दूसरा लेसन का है, कंप्यूटर का मूल आधार आपको जानना है, कंप्यूटर का अर्थ है, ये सारा दूसरा ही लेसन में जानना है। सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें ये सारा छोटे छोटे पॉइंट है आपको पूरा कंप्लीट करना है, यानी उसमें कंप्यूटर का अनुप्रयोग, हार्डवेयर, मेमोरी, ये सारा चीज़ आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप जो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो आप दूसरा लेसन का समझ गए कि कंप्यूटर के बारे में जो है सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, तो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप सवाल करते हैं तीसरा लेसन है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको है कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे और कैसे संचार करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी को अगर बोलना है तो प्रभावशाली कैसे बोलेंगे, इसका भी जानकारी लेना है। तो ये सारा जो है इसमें है। तो तीसरा लेसन आप देख लिए, तीसरा लेसन में आपको इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल में। अब चौथा है उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल का मतलब है कि बिजनेस, यानी इसमें उद्यमिता कौशल का मतलब है कि आपको उद्यमी कैसे बनना है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का कार्य क्या होता है, उद्यमी की अवधारणा क्या है, उद्यम क्या है, उद्यम का प्रदर्शन एवं रिकॉर्ड कैसे रखना है, व्यावसायिक विचार हेतु कैसे करना है। और इसी चार लेसन में और पढ़ना है परियोजना के बारे में, तो परियोजना का क्या तात्पर्य है, परियोजना का क्या अर्थ है, ये सारा चीज़ है। लेसन नंबर 5वां आ गया उत्पादकता, उत्पादकता। तो उत्पादकता को आपको अच्छे से देखना है, इसमें आपको विकसित करना है, इसका डिफिनेशन जानना है, रख रखाव के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद अभिप्रेरण के बारे में पढ़ना है और इसकी परिभाषा जानना चाहिए, और इसके बाद आपको विकसित देशों के साथ भारत का तुलनात्मक अध्ययन और विकास में कैसे उद्यमिकता को हम लोग कर रहे हैं, उत्पादकता कैसे बढ़ा रहा है, ये सारा जानकारी होना चाहिए। ये भी आपको पांचवा लेसन कंप्लीट। छठा लेसन आइए, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। तो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा है, इसमें आपको व्यवसाय करना है यानी बिजनेस करना है, उसका सेफ्टी कैसे रखेंगे और बिजनेस करते हुए उसका हेल्थ का स्वास्थ्य कैसे रखेंगे, और हमारा एनवायरमेंट का जो है एजुकेशन भी होना चाहिए। तो इसमें आपको व्यावसायिक शिक्षा एवं सुरक्षा का प्राप्त करना है। व्यावसायिक आपदा यानी कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपदा आ गया, कोई भी घटना आ गया तो कैसे हम लोग को निपटना है और उसका स्वास्थ्य करना है। इस तरह से जो है उसी लेसन में आपको जो है श्रमिक अधिनियम पढ़ना है, मजदूर भुगतान का अधिनियम पढ़ना है, कारखाना अधिनियम पढ़ना है, ये सारा चीज़ है। तो आप इस तरह से देख लिए। आठवां में गुणवत्ता साधन पढ़ना है। तो गुणवत्ता साधन में आपको गुणवत्ता की जुड़ मुख्य संकल्पना है, गुणवत्ता विकास, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता में मूल्यवर्धन, गुणवत्ता धाराएं विचार, गुणवत्ता से लाभ एवं कैसा क्वालिटी अच्छा रखेंगे उसके बारे में सारी जानकारी लेना है। क्या आपका आठवां लेसन हो गया? इस तरह से पूरा कंप्लीट है। और नौवां लेसन आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड पूरा अच्छा से रखना था, इस तरह से आप देख लिए। अब लेसन नंबर 9 में बात कर रहे हैं। 9 में आपको संक्षिप्त शब्दावली पढ़ना है। SMS का संक्षिप्त क्या है, आपको CDF का क्या संक्षिप्त है, ROM का संक्षिप्त क्या है, यानी जो भी हमारा बेसिक जो नॉलेज है, जो आधारशिला नॉलेज है, उसमें क्या क्या संक्षिप्त वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज़ को पढ़ना है। तो ये कंप्यूटर का जो है टेक्नोलॉजी संक्षिप्त वर्ड पढ़ना है, और SMS का संक्षिप्त वर्ड पढ़ना है, किसको किस चीज़ से हम लोग संक्षिप्त में डिनोटेट करते हैं, ये सारा जानकारी लेना है। इस तरह से हम समझ चुके होंगे कि 9 लेसन आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और 9 लेसन ही आपको सिलेबस से पढ़ना है। इसकी हम जानकारी पूरा अच्छा से दे चुके हैं। अगर कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में बच गया है या आपको कोई भी त्रुटि बच गया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। खाइए पिए स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे चैनल को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।